शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे लैपटॉप से क्यों लड़ रही हो, इसको तो छोड़ दो। क्यों नहीं लड़े बाबा, आप एक बात बताइए, हम सुबह से काकी के लिए एक सुंदर सी साड़ी देखने की कोशिश कर रहे हैं और ये लैपटॉप है जो हमें एक ढंग की साड़ी नहीं दिखा रहा है। और एक तो ना हमें ऑनलाइन शॉपिंग कभी समझ में नहीं आई, मतलब ना उसमें कलर समझ में आ रहा है ना मटेरियल समझ में आ रहा है, कुछ ऑर्डर करो कुछ का कुछ आ जाता है। और आप ही बताइए ना, काकी की स्किन बहुत सॉफ्ट है, अगर हमने कुछ ऐसा ऑर्डर कर दिया जिसका मटेरियल हार्ड हुआ तो काकी को रैशेस आ जाएंगे। तो अपने परिवार के बारे में कितना सोचती है ना बाबा। एक बात बताओ, ये हमारा भी तो परिवार है ना, अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। वो बेटा, हमें निधि ने बताया जो कुछ भी कॉलेज में हुआ। बाबा, उस दिन कॉलेज में जो हादसा हुआ हम नहीं जानते वो सब कैसे हुआ, पर हम जानते हैं कि आपको और काकी को उससे बहुत दुख हुआ है और हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बिटिया, हमारी भी एक बात अच्छी तरह समझ ले, तुम जिस रिश्ते में है ना उसका कोई भविष्य नहीं है बेटा, और जिस रिश्ते का कल ना हो उसके लिए तुम वो अपना आज क्यों खराब करती है। बाबा, हमारा अतीत, हमारा आज और हमारा होने वाला कल सब आप और काकी है, हमारी जिंदगी है आप दोनों, हमें बस जिंदगी में आपको बहुत सारी खुशियां देनी है। आप खुश हैं तो हमारे चेहरे पे मुस्कान अपने आप आ जाएगी। खुश रहो। कहाँ जा रही हो जाने मन? होय होय होय! ओह, क्या लग रही हो, मॉडल हो गया। अब कौन बचाएगा? माँ यहाँ कहाँ से आ गई? विद्या, उठ ना, क्या बड़बड़ा रही है, चल उठ उठ जल्दी। माँ, क्यों उठाया मुझे अभी, थोड़ी देर और सोने दो ना। कितना सोगी, कितने सपने देखोगी, ये कोई सपने देखने का टाइम है, उठो। ओहो माँ, पता है सपने में वो आया था, क्या सुपर हीरो की तरह उसने एंट्री की, क्या मारा है गुंडों को उसने, ये डशू वो डशू, ले पटाक ले झटाक, मजा ही आ गया लाइव एक्शन देखकर। चल चल बेटा, सब वेट कर रहे हैं तेरा, उठना चल। लेकिन कहाँ माँ? चलना, हम जो कह रहे वो करो, उठो। लेकिन कहाँ? किसके सपने देख रही थी, कौन आया था तेरे सपनों में? हाँ, आपके दामाद के मम्मी। बट आपने ना मुझे बहुत गलत टाइम पे उठा दिया, सपने में मैं बस उसका फेस देखने ही वाली थी कि आप आ गई। ये क्या खीखी खीखी लगा रखा है, किसी को प्रॉब्लम है क्या मेरे सपने से? नहीं नहीं नहीं, तेरे सपने में कोई आए ये प्रॉब्लम नहीं है, पर तू किसी के सपने में जाए ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेचारा सपने वाला। ऐसा मत बोलो, मेरी विद्या जिस घर में जाएगी ना उस घर को स्वर्ग बनाएगी। स्वर्ग बना देगी या स्वर्ग पहुंचा देगी? हाँ बाबा। कितनी बार कहा है मुझे विद्या मत बुलाया करो, वी बुलाया करो वी। और बाबा, आप क्या हमेशा इनकी साइड लेते रहते हो? आशी, मेरी ब्लैक कॉफी कहाँ है? हाँ एक मिनट। अरे कॉफी वॉफी बाद में, अभी उठो, चलो उठो जल्दी से, तैयार हो जाओ। मॉम आज संडे, आज मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ? आज मैं यहीं चल करूंगी। हाँ हाँ, हम जानते हैं आज कॉलेज नहीं है, लेकिन आज लड़के वाले आ रहे हैं हमारी महारानी साहिबा को देखने। अरे तुम्हारा सपनों का सुपर हीरो इस फैशन की दुकान को देखने आ रहा है आज। मॉम,
मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी। इनफैक्ट मैं तो अभी किसी से मिलना भी नहीं चाहती। अभी तो सुपर हीरो के सपने देखे जा रही थी, सपना सच्चाई में बदलने लगा तो डर गई। कतई जहर मॉम, वो सपना था। आप तो सीरियस हो गई। भाई हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हमने जो कह दिया सो कह दिया। मृतक कैसी बात कर रही हो, अभी इसकी उम्र ही क्या है? और हमारे बेटे की क्या उम्र थी? 9 साल, बस 9 साल का था जब आपने इस मनहूस के साथ उसकी शादी करा दी। बस 9 साल का था हमारा बेटा जब वो हादसा हुआ था, जिसमें आपने इसको बचाने के चक्कर में हमारे बेटे की बलि चढ़ा दी। तब आपको हमारे बेटे की उम्र छोटी नहीं लगी? एक तो बिन मर्जी उसकी उसकी शादी करा दी आपने, और फिर ये मनहूस 7 फेरे लेते ही हमारे बेटे को खा गई। बेटा तुम बार बार एक ही बात क्यों कहती रहती हो? हाँ तो क्यों ना कहूं ये बात? कॉलेज में कम तमाशा किया इसने, देखा ना कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है कॉलेज में। और गलती किसी की भी हो, हम नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते, लेकिन नाम तो आशी का उछला है ना, गलती तो इसकी मानी जा रही है। समाज वाले जो है ना, गलती किसी की भी हो, दोषी एक लड़की को ही ठहराएंगे। और अब इससे पहले कि इसकी वजह से हमारा नाम खराब हो, हम अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा देना चाहते हैं। बस सुनो, जब लड़के वाले आएंगे ना, सामने मत आना उनके। हाँ? लेकिन क्यों माँ, हम क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि तुम हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करती हो, यहाँ वहाँ घिरती पड़ती रहती हो। पर माँ हम वैसे नहीं करेंगे। माँ चुप रहो तुम। और तुम, हम नहीं चाहते जब लड़के वाले घर आए तुम अपनी मनहूस शक्ल उन्हें दिखाओ, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले मनहूसियत नहीं चाहिए हमें। आप भी कपड़े बदल कर तैयार हो जाइए। माफ कर दे बेटा, जो कुछ भी अमृता ने कहा उसके लिए I'm sorry। कोई बात नहीं बाबा, ऐसे मत बोलो। और ऐसे भी कॉलेज में जो सब हुआ उसके लिए काकी का गुस्सा जाए से। ओए पिद्दी सुनना, मैं तो ना सिड को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर सिड संदीप से सच नहीं उगलवाता ना, तो माँ तुझे कभी माफ नहीं करती। यार हम सच कह रहे भाई, पता है जब भी तेरे घर आते ना, हमारा दिल खुशी से गार्डन गार्डन हो जाता है। ऐसा दिल में खुशी के फूल खिलने लगते हैं। नहीं मतलब देखना, हमें इतना रईस लड़का, हमारा दोस्त, हमारा यार। वैसे एक बात तो है सिद, पता है तेरे पापा के पास ना पैसों की माइंस से माइंस, बस हमें ना उन पैसों को खुदाई करके निकालना है। क्या बोलता है? चुप कर, पैसे ऐसे ही नहीं कमाए जाते, बहुत मेहनत और लगन लगती है पैसे कमाने में। तो हम कहाँ कह रहे ऐसे आते, हमको भी पता मेहनत लगती है। ठीक है, आशी तेरे नैना।